back to my YouTube channel, that is Maths with Shivangi Nagar. In this video, I am going to discuss the class 9th chapter number 2 polynomial, exercise 2.5, 4 questions, 4, 5, 6, 7. So let's begin with the question number 4. Well, the question number 4 says, expand each of the following using the suitable identities. Hame yahan pe क्या करना है, आइडेंटिटीज को यूज करके, ठीक है, जो हमें यहाँ पे गिवन है एक्सप्रेशंस, उनको हमें क्या करना है, एक्सपैंड करना है. दैट मीन्स फैक्टराइजेशन फॉर्म इज गिवन टू अस और हमें उसको क्या करना है, ओपन करके लिखना है और टर्म्स को सेपरेट करना है प्लस एंड माइनस साइन से बाय यूजिंग दी आइडेंटिटीज. अब कब, कहाँ, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, तो हमें मेमोराइज करना होगा. देखो यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, दैट वी नीड टू एक्सपैंड दिस. अब x प्लस टू वाई प्लस फोर जेड, इसको एक्सपैंड करके लिखना है. हाउ मेनी टर्म्स वी हैव, थ्री टर्म्स. तो याद करो, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का अगर स्क्वायर आता है तो उसको एक्सपैंड करने के लिए हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज करते हैं, तो वी यूज आइडेंटिटी, we use identity a plus b plus c whole square is equals to a square plus b square plus c square plus twice of ab plus twice of bc plus twice of ca. आई होप ये आपको याद आ रहा होगा, राइट. तो चलिए अब इसी आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे और हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, ठीक है, हमारे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को x प्लस टू वाई प्लस फोर जेड होल स्क्वायर से. तो यहाँ से आपके पास a क्या हुआ, x, b क्या हुआ, 2y, और c क्या हुआ बच्चों, 4z. अब a, b, c की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो वट यू विल गेट, x प्लस टू वाई प्लस फोर जेड होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज वॉट, एक्स का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स टू वाई का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर मीन्स फोर जेड का होल स्क्वायर, देन प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, दैट मीन्स एक्स इंटू टू वाई, प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी मीन्स ट्वाइस ऑफ टू वाई मल्टीप्लाई बाय फोर जेड, प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए मीन्स टू टाइम्स ऑफ फोर जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स. क्लियर. नाउ अब बस इसको सॉल्व करके लिखना है. ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या होगा, एक्सपेंशन फॉर्म होगा. तो ये है एक्स स्क्वायर, टू वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर जेड स्क्वायर. तो जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा तो फोर का स्क्वायर बनेगा सिक्सटीन और ये जेड स्क्वायर. क्लियर. टू इंटू एक्स, टू एक्स, टू एक्स इंटू टू, 4x, 4x into y, 4xy. तो ये बना पूरा मल्टीप्लाई करके 4xy प्लस 2 into 2, 4 into y, 4y, 4y into 4, 16y and 16y into z is what? 16yz. Clear? Plus 2 into 4, 8, 8 into z, 8z, 8z into x is what? 8zx. तो ये जो आपका आया राइट हैंड साइड पे, हमने इसको ओपन किया तो देखो ये जो ब्रैकेट के फॉर्म में स्क्वायर दिया हुआ था, ठीक है, ये कौन सा था, फैक्टराइजेशन फॉर्म था. हमने आइडेंटिटी यूज करके इसको क्या कर दिया, वी हैव एक्सपैंडेड. ठीक है, एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. क्लियर. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर. अगेन यहाँ पे ट्राइनोमियल का स्क्वायर है तो कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, सो वी यूज आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए. और जब कंपेयर करेंगे तो ए क्या आया, 2x, बी क्या आया, माइनस वाई. तो यहाँ पे प्लस भी है बट यहाँ पे प्लस साइन मिसिंग है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर. तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हुई, माइनस y. इसी तरह से c का वैल्यू क्या होगा, आपका c का वैल्यू होगा z. अभी सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर क्या बनेगा आपका, सो a स्क्वायर दैट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स माइनस y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स
जेड का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी दैट मीन्स टू एक्स इंटू माइनस वाई प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी मीन्स टू इंटू माइनस वाई इंटू जेड एंड ट्वाइस ऑफ सी ए मीन्स टू इंटू जेड इंटू टू एक्स क्लियर नाउ टू एक्स स्क्वायर का मतलब फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू टू ज़ा फोर फोर इंटू एक्स फोर एक्स फोर एक्स इंटू माइनस वाई तो दैट इज माइनस फोर एक्स वाई क्लियर है देन इस पूरे को सॉल्व करोगे तो वट यू विल गेट सो प्लस इन प्लस टू इंटू माइनस वाई माइनस टू वाई इंटू जेड इज माइनस टू वाई जेड एंड यहाँ पे आएगा आपके पास टू जेड टू जेड इंटू टू इज फोर जेड इंटू एक्स इज फोर जेड एक्स ठीक है यहाँ पे और ये ब्रैकेट अगर आप ओपन करते हैं ठीक है तो प्लस और माइनस डिजॉल्व होके क्या आ जाएगा अल्टीमेटली माइनस साइन तो अपन डायरेक्ट वही लिख देते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास माइनस साइन आ जाएगा क्लियर है तो ये आपका है एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन स्क्वायर क्लियर ये है फैक्टराइजेशन फॉर्म और इसका एक्सपेंशन फॉर्म आइडेंटिटी को यूज करके हमने ये किया है क्लियर चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अब जल्दी जल्दी कंपेयर करते हैं यहाँ पे भी देखो ट्राइनोमियल का स्क्वायर है तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से जिसका एक्सपेंशन क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए ठीक है तो उसमें यहाँ पे ये होगी ए की वैल्यू ये होगी आपकी बी की वैल्यू और ये होगी बच्चों सी की वैल्यू तो चलो एक्सपेंशन करते हैं डायरेक्ट हम राइट साइड का एक्सपेंशन लिखेंगे इसमें सो माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर प्लस टू जेड का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी तो देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं माइनस टू इंटू थ्री माइनस सिक्स एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी मीन्स बी इंटू सी तो थ्री टू ज़ा सिक्स वाई जेड सिक्स वाई जेड देन प्लस ट्वाइस ऑफ सी इंटू ए ठीक है तो ये क्या हो जाएगा टू इंटू माइनस टू इज माइनस फोर एक्स जेड ठीक है अब बस इसको सॉल्व करके लिखना है तो ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस टू फोर जेड का स्क्वायर ये होगा आपका फोर जेड माइनस फोर जेड प्लस फोर जेड का स्क्वायर टू इंटू माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व एक्स वाई प्लस ट्वेल्व वाई जेड माइनस एट जेड एक्स क्लियर है इसी तरह से नेक्स्ट वाला करेंगे ये हो जाएगा आपका ए ये पूरा माइनस साइन कंसिड्रेशन के साथ बी और ये हो जाएगा आपका सी तो डायरेक्ट अगर हम आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो ए स्क्वायर मीन्स थ्री ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स माइनस सेवन बी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर मीन्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी सो थ्री ए इंटू सेवन बी मिलके क्या बना देगा माइनस ट्वेंटी वन ए बी फिर बी इंटू सी मिलके क्या बनाएगा सो ट्वाइस ऑफ माइनस सेवन बी इंटू माइनस सी इज वॉट प्लस सेवन बी सी देन ट्वाइस ऑफ सी इंटू ए मिलके क्या बनाएगा ये बनाएगा माइनस थ्री ए सी क्लियर बस अब इसको फाइनल सॉल्व करके लिखना है तो नाइन ए स्क्वायर प्लस फोर्टी नाइन बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर होगा प्लस सी का स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वन इंटू टू इज वॉट माइनस फोर्टी टू ए बी क्लियर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो टू इंटू सेवन मेक्स वॉट फोर्टीन बी सी माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए सी सो दिस इज द एक्सपेंशन फॉर्म क्लियर है चलिए आगे चलते हैं अगेन दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी फटाफट से ओपन करते हैं कैसे ओपन होगा सबसे पहले ए स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर मीन्स माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस फाइव वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री जेड का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ माइनस टू एक्स इंटू फाइव वाई माइनस टेन एक्स वाई then twice of bc that means 2 into 5 in 5 by into minus 3z that means minus 15yz plus twice of c into a so minus 3z into minus 2x makes what 6zx clear hai
तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर 25y का स्क्वायर प्लस 9z का स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx. क्लियर है? चलिए फटाफट से लास्ट ये सिक्स्थ पार्ट भी करते हैं. अब यहाँ पे ये पूरा 1/4 ऑफ a होगा आपका a, ये पूरा होगा b और ये 1 होगा आपका c. ठीक है, तो एक्सपेंशन कैसा होगा, a बाय 4 का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. देखो 1/4 इंटू a को आप a बाय 4 लिख सकते हैं ना, तो इसलिए हमने इसको a बाय 4 लिखा है. क्लियर? देन और ये है माइनस का, तो यहाँ माइनस साइन लगा देंगे. क्लियर? देन प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, सो a बाय 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस b बाय 2, ट्वाइस ऑफ b इंटू c माइनस b बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ट्वाइस ऑफ c इंटू a, सो c इज 1, a इज a बाय 4. a बाय 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन 16, माइनस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, माइनस ए बी बाई 4. यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो इन सबको अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचा, माइनस बी, एंड दिस 2 कैंसिल्स 4, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे बचा आपके पास ए बाई 2. तो ये है आपका एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ द गिवन ट्राइनोमियल स्क्वायर. क्लियर है? तो ये थे सिक्स पार्ट्स. आगे चलते हैं फिफ्थ वाले पे. यहाँ पे फैक्टराइजेशन की बोल रहा है. देखो यहाँ पे अलग अलग टर्म से प्लस माइनस से डिवाइड है, सेपरेट हो रही है. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो बेटा ये देखो पीछे जो हमने आइडेंटिटी यूज करी है, ये वाली जो हम पिछले क्वेश्चन में करते जा रहे हैं, इसको ध्यान से एनालिस करो. मैंने क्या बोला, ये फैक्टराइजेशन फॉर्म है और ये क्या है उसका, एक्सपेंशन फॉर्म. इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टर्म्स हैं. ठीक है, अब 6 टर्म्स में 3 परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हैं और रिमेनिंग जो है वो 2 वी हैव टेकन एट अ टाइम और उनके प्रोडक्ट का ट्वाइस किया हुआ है. क्लियर? तो अब आप ध्यान से इस नेक्स्ट वाले पार्ट में देखिए, यहाँ पे जो आपको टर्म्स दी हुई हैं इसमें अगर हम फर्स्ट को कंसिडर करें तो 4x स्क्वायर, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है, क्या इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल मैम लिख सकते हो. क्या 9y स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, येस मैम आप इसको 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हो. और 16z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 4z का होल स्क्वायर. और यहाँ पे 6 टर्म्स हैं, तो यानी कि अगर ये 3 परफेक्ट स्क्वायर टर्म बन गई, यानी कि ये a, ये b, ये c अगर बन गया है, तो डेफिनेटली ये जो 12xy होगा ये क्या होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ ab, ये क्या होना चाहिए आपका, ट्वाइस ऑफ bc, और ये होना चाहिए ट्वाइस ऑफ ac. बट यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है. अभी माइनस साइन देखो कहाँ पे आ रहा है, जब x और y का प्रोडक्ट किया, ठीक है, तब माइनस साइन नहीं आया, लेकिन जब y और z का प्रोडक्ट किया तो माइनस साइन आया, और वहीं x और z का प्रोडक्ट किया तो भी माइनस साइन आया. तो इन दोनों टर्म्स में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, z, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारा ये जो 16z स्क्वायर जिसको हमने 4z स्क्वायर लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव नहीं है, ये क्या है हमारा, नेगेटिव टर्म है. ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस 4z स्क्वायर हो जाएगा. क्या हो जाएगा, माइनस 4z का होल स्क्वायर. और अब अगर हम इसको इस अरेंजमेंट में लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2x इंटू 3y. देखो सॉल्व करके देखो, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12xy बन गया ना. सिमिलरली इसको आप 2bc फॉर्मेशन में लिखेंगे तो ट्वाइस ऑफ बी, बी कितना है 3y और सी कितना है माइनस 4z. अब आप देखो इस इन तीनों का प्रोडक्ट करो, क्या माइनस 24yz बन रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली बन रहा है. सिमिलरली माइनस 16xz को ट्वाइस ऑफ ac फॉर्मेशन में लिखेंगे तो 2 इंटू a क्या है 2x एंड c क्या है हमारा माइनस 4z. अब आप इसको भी सॉल्व करके देखो, क्या माइनस 16xz बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है. तो ये बना आपका
ट्वाइस ऑफ ए बी, ये बना ट्वाइस ऑफ बी सी, और ये बना ट्वाइस ऑफ ए सी. तो भाई ये किसका एक्सपेंशन फॉलो कर रहा है? ये एक्सपेंशन फॉलो कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वेयर वेयर ए इज इक्वल्स टू टू एक्स, बी इज इक्वल्स टू थ्री वाई, एंड सी इज इक्वल्स टू माइनस फोर जेड. तो यानी कि इसी एक्सप्रेशन को आप क्या लिखेंगे, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड का होल स्क्वायर. सो दिस इज द एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वाले को अगर आप देखें तो चलो इसको कॉपी कर लेते हैं. टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2x square plus y square plus 8z square minus 2 root 2xy minus 2 root 2xy plus 4 root 2yz, 4 root 2yz minus 8xz. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी देखो माइनस साइन कहाँ दिखाई दे रहा है, एक तो यहाँ पे और एक लास्ट यहाँ पे. इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, एक्स. यानी यहाँ से हमें पता पड़ गया कि यहाँ पे यानी कि कौन नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है. ठीक है, ये एक्स वाला, तो यानी कि ये वाली जो टर्म है ये क्या है, नेगेटिव टर्म होनी चाहिए. बट मैम 2x स्क्वायर में x स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 2 थोड़ी ना परफेक्ट स्क्वायर है. 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट हम इसको बना देंगे. 2 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका होता है, अगर हम रूट 2 का स्क्वायर करें तो क्या 2 नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा. तो अगर यहाँ पे 2 दिया हुआ है और इसको एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, रूट 2 का स्क्वायर. यानी कि ये जो इंटायर टर्म है ये क्या बनी, रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर. और अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि एक्स यहाँ पे कॉमन वेरिएबल है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव. ठीक है, ये हो जाएगा वाई का होल स्क्वायर. सिमिलरली ये क्या है, 8z square. अब देखो ये 8 को भी मैम परफेक्ट स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, तो देखो 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 4, 4 तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है ही. और ये क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर. यानी कि 8 को आप लिख सकते हैं 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं. तो यानी कि इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 रूट ओवर 2 का z का होल स्क्वायर. क्लियर है? अब अगर ये तीनों टर्म्स रेडी हो गई, ये बना a का स्क्वायर, ये बना b का स्क्वायर, ये बना c का स्क्वायर, तो यानी कि रिमेनिंग टर्म्स अब क्या होनी चाहिए, ट्वाइस ऑफ ab, ट्वाइस ऑफ bc, ट्वाइस ऑफ ca. तो डेफिनेटली वो उसी फॉर्मेशन में ही है. देखो 2 इंटू ab करोगे तो माइनस रूट टू एक्स इंटू वाई, फिर ट्वाइस ऑफ bc करोगे तो ट्वाइस ऑफ y इंटू टू रूट टू जेड, और ट्वाइस ऑफ ac करोगे तो ट्वाइस ऑफ 2 root 2 z into minus root 2 x. अब आप इन सबको सॉल्व करेंगे ना, इन सबको, तो यही चीज बनेगी जो आपको गिवन है. क्लियर? देखो कैसे 2 into minus root 2, that is minus 2 root 2 और x y आ गया. सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो 2 into 2 4 root 2 y z, और इन सबको सॉल्व करेंगे तो root 2 into root 2 क्या बनेगा, 2, और 2 इंटू 2 इंटू 2 बन जाएगा माइनस 8 एक्स जेड. क्लियर है? तो यानी कि ये बना आपका चॉइस ऑफ ए बी, ये बना आपका चॉइस ऑफ बी सी, ये बना आपका चॉइस ऑफ ए सी. तो ये जो टर्म्स होती हैं, ठीक है, ये किसके एक्सपेंशन में होती है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में, जहाँ पे ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, माइनस रूट टू एक्स, बी का रोल प्ले कर रहा है वाई, और सी का रोल प्ले कर रहा है 2 रूट ओवर 2. क्लियर है? तो ये किसका एक्सपेंशन था, माइनस टू रूट एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड. क्लियर? यहाँ पे जेड लगाना है, इसका होल स्क्वायर. ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला हुआ है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. तब बोला हुआ है कि क्यूब्स को एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है. अब देखो बाइनोमियल का क्यूब कौन सी आइडेंटिटी में हमें याद दिलाता है, a प्लस बी होल क्यूब की. ठीक है, a माइनस ए, दो आइडेंटिटी थी, a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब. ठीक है, अब डिपेंड करता है कौन सी यूज करनी है. तो अगर मिडल में अगर पॉजिटिव साइन है, ठीक है, तो हमें क्या बोलना है, a प्लस बी होल क्यूब, और अगर बीच में माइनस साइन है तो यानी कि a माइनस बी होल क्यूब.
क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब वैल्यूज को पुट करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, a का होल क्यूब 2x प्लस 1 होल क्यूब इज व्हाट, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है? नाउ 2x का होल क्यूब इज 8x क्यूब, 1 क्यूब इज 1। नाउ ये 2x स्क्वायर ओपन होगा तो क्या बनेगा, 4x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। क्लियर है? सिमिलरली 3 इंटू 2x इज 6x, 6x इंटू 1 स्क्वायर इज व्हाट, 6x इटसेल्फ। तो ये बच्चों आपका है एक्सपेंशन फॉर्म। क्या इसको फर्दर आप और सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते सॉल्व, ठीक है? तो यानी कि ये आपका आंसर है फाइनल। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब देखो बच्चों यहाँ पे बीच में माइनस साइन है, तो कौन सी सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे और उसका एक्सपेंशन कैसा होता है, ये रहा। जस्ट ऊपर वाली आइडेंटिटी में जहां जहां b है उसको माइनस b से रिप्लेस कर दो। मैंने आपको सिखाया भी था ये ट्रिक जब हमने आइडेंटिटीज स्टडी करी थी, राइट? तो देखो a माइनस b होल क्यूब है, तो यहाँ पे ये जो 2a है ये a का रोल प्ले करेगा और 3b जो है वो b का रोल प्ले करेगा। तो जब आप 2a माइनस 3b होल क्यूब का एक्सपेंशन लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे, a क्यूब, a क्यूब इज व्हाट, 2a का होल क्यूब, देन माइनस b क्यूब, दैट मींस 3b का होल क्यूब, माइनस 3a स्क्वायर, दैट मींस 2a का होल स्क्वायर, इनटू b इज व्हाट 3b, प्लस 3 इनटू a, a इज व्हाट 2a। और अच्छा बेटा यहाँ पे क्या था, नहीं सही है, और यहाँ पे है b स्क्वायर, b स्क्वायर दैट मींस 3b का होल स्क्वायर। चलो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 2a का होल क्यूब कितना हो जाएगा 8a क्यूब, देन 3b का क्यूब कितना हो जाएगा 27b क्यूब, देन 3 इंटू 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर बनाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12, एंड 12 को वापस से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। तो ये पूरा ओवरऑल बन जाएगा आपका 36ab। क्लियर है? a स्क्वायर होगा और, क्योंकि यहाँ पे ये a स्क्वायर था, ठीक है? देन इसको आप ओपन करेंगे तो ये बनाएगा 9b का स्क्वायर, और जब ये 9b स्क्वायर इधर इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा तो 3 टू जस्ट 6, 6 9 जा 54, तो ये बनेगा ओवरऑल 54ab का स्क्वायर। तो ये है बच्चों आपका एक्सपेंशन गिवन बाइनोमियल के क्यूब का। क्लियर है ये दिस पार्ट? क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बीच में प्लस साइन है तो कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस b होल क्यूब वाला, जिसका एक्सपेंशन होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आपको इसका ट्रिक पता है कैसे याद करना है? देखो थोड़ा सा ट्रिक समझ लेते हैं कैसे याद रहेगा इसमें जो बीच में टर्म्स होंगी। देखो प्लस है, अगर ए प्लस बी तो सब कुछ प्लस 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 होगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या है, दो टर्म्स हैं, ए है और बी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ए क्यूब और बी क्यूब ऐसे लिख लो, ठीक है? अब सिंस द पावर इज 3 हियर, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कोफिशियंट ऑफ जो बीच वाली टर्म्स की होंगी वो 3 लगेंगे। बट उसके पहले अब जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे, क्लियर, यहाँ पे अभी ये क्या है, ये वाली टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ बी, ए बी नहीं है, तो अब यहाँ से क्या होगा, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे ए की पावर डिक्रीज होना स्टार्ट होगी और बी की पावर, अब आप बी इंट्रोड्यूस होकर उसकी पावर इंक्रीज होगी एवरी सक्सीडिंग टर्म्स में। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, एक पावर कम कर दी ए की और बी आ गया। अब और आगे चलेंगे तो मैंने क्या बोला, a की पावर कम होगी और b की पावर इंक्रीज होगी, तो नेक्स्ट क्या बनेगा आपका,
ए इंटू बी स्क्वायर। फिर जैसे ही आगे गए तो ए की पावर अभी वन यहाँ पे है, तो एक पावर और डिक्रीज करूँ तो ए की पावर जीरो बन जाएगा। और ए की पावर जीरो का मतलब क्या होता है? ए की पावर जीरो मतलब वन होता है। तो यानी कि सिर्फ यहाँ पे वन लिख सकते हैं अपन, और वन को लिखो या मत लिखो एक ही बात है। और बी एक पावर से इंक्रीज हो जाएगा तो यानी बी क्यूब बन जाएगा। क्लियर? अब चूंकि पावर यहाँ पे क्या है, थ्री, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, कोफिशियंट थ्री लगाएंगे। क्लियर? और सब में प्लस साइन लगा दीजिए, हो गया आपका एक्सपेंशन रेडी। इजन दैट सिंपल? ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नाउ चलो करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कैसे करना है, हमें जस्ट ए और बी अज्यूम करना है, कंपेयर करके और फिर उसके बाद एक्सपेंशन फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे 3/2x पूरा ए बन जाएगा और बी बनेगा आपका 1। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3a² दैट मीन्स 3/2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab² 3 × 3/2x इंटू 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया तो 27/8x³ प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे तो 3/2x का होल स्क्वायर ओपन होगा तो 9/4x² 9/4x² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/4x² बनेगा। इस पूरे इंटायर को सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 को इन से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम नंबर इटसेल्फ होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 9/2x। तो ये है आपका एक्सपेंशन। सिमिलरली यहाँ पे अब बीच में माइनस साइन है तो विच आइडेंटिटी वी विल गोइंग टू यूज, ए माइनस बी होल क्यूब हुज एक्सपेंशन इज ए क्यूब बी क्यूब। बी माइनस बी से रिप्लेस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस बी लगेगा। क्लियर है? देन उसके बाद a² b ab² 3 कोफिशियंट्स। अब यहाँ पे b को माइनस बी से रिप्लेस करना है तो यहाँ पे माइनस जाएगा। अब यहाँ पे b इटसेल्फ स्क्वायर है तो यानी यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा, क्योंकि देखो अगर माइनस बी से भी रिप्लेस करोगे तो माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस बी। हो गया आपका आइडेंटिटी रेडी। चलो अब इसमें यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे x रोल प्ले करेगा a का और 2/3y रोल प्ले करेगा b का। तो क्या हुआ, x³ माइनस 3a² दैट मीन्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 3y प्लस 3a × b का स्क्वायर दैट मीन्स x इंटू 2/3y का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब दैट मीन्स 2/3y का होल क्यूब। क्लियर है? तो ये हो जाएगा x³, ये 3 से 3 कैंसिल, माइनस 2x² y, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे आएगा आपके पास 4xy² क्लियर? देन हेयर वी हैव, इसको आप ओपन करोगे तो 2 का क्यूब होगा 8/27y का होल क्यूब। सो दिस इज द एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ द गिवन बाइनोमियल क्यूब। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखो इसी पैटर्न के क्वेश्चन हमने और भी किए हुए हैं, याद करो क्वेश्चन नंबर 1 और 2, सेकेंड क्वेश्चन, या सेकेंड क्वेश्चन, उसमें हमने, हमें इसी तरह से नंबर्स दिए होते तो हमें बोला था कि इनका प्रोडक्ट सॉल्व करो विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाइंग बाय यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज। तो देखो अब इस यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जब भी इस तरह से इस बड़े बड़े नंबर्स के क्यूब दिए जाएं, और स्पेशली इस तरह के बड़े नंबर्स जो कि 10 मल्टीपल्स के या 100 मल्टीपल्स के 1000 मल्टीपल्स के नियरेस्ट हो, तो देखो उनको किस तरीके से, उन क्यूब्स को किस तरह से आइडेंटिटी को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है 99 का होल क्यूब। अब आइडेंटिटी तभी यूज हो सकती है जब हम इस 99 को स्प्लिट करके बाइनोमियल फॉर्मेशन में लिखें, क्योंकि क्यूबिक में जो हमें आइडेंटिटी पता है वो पता है ए प्लस बी होल क्यूब वाली और ए माइनस बी होल क्यूब वाली। तो आइडेंटिटी तो तभी लगा पाएंगे जब बाइनोमियल फॉर्मेशन में होगा, है ना? तो यानी कि 99 होल क्यूब को आप क्या लिखेंगे, तो कैन आई राइट दिस एज 100 माइनस 1 का होल क्यूब? यस, लिख सकते हैं। अब जैसे ही आपने ये लिखा तो तुरंत आपने पकड़ लिया कि भाई ये सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, है ना? और ये आइडेंटिटी का एक्सपेंशन क्या होता है, ए माइनस बी होल क्यूब इज नथिंग बट ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²
माइनस बी क्यूब। तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 1। ए और बी का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या 100 माइनस 1 होल क्यूब आ जाएगा? डेफिनेटली। तो 100 माइनस 1 होल क्यूब विच इज नथिंग बट द 99 क्यूब। क्या होगा उसका एक्सपेंशन? 100 का क्यूब। अब 100 का क्यूब क्या हो जाएगा? 10 लैक्स हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स 0, क्लियर। देन उसके बाद 3a² b, सो माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू बी इज व्हाट? 1। देन प्लस 3ab² 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। तो ये क्या हुआ बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स 0 माइनस 30,000। ये एक्चुअली है क्या आपका 2, 3, 4, 5, ये है 10 लैक्स। 10 लैक्स में से 30,000 उड़ा देना आप, ये हो जाएगा 300 माइनस 1, ठीक है। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ रख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ रख लो। सो 1, 0, 0, 3, 00 इन पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड किया और ये नेगेटिव नेगेटिव्स को एक साथ हमने सॉल्व करके लिख लिया। जब आप फाइनल इनको सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? सो 1, 0, 0, 3, 00, 1, 0, 0, 0, 3, इसमें से आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो यू विल गेट 10 माइनस 1, 9, यहाँ पे 9, ये हो जाएगा 2, 0। अगेन 10 माइनस 3 इज व्हाट? 7, और ये हो जाएगा 9। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 9, 7, 0, 2, 9, 9, क्लियर है? तो ये है आपका आंसर, क्लियर। चलिए इसी तरह से 102 का क्यूब करेंगे। 102 का क्यूब कैसे करेंगे? तो देखो ये जो 102 का क्यूब है इसको सबसे पहले बाइनोमियल में स्प्लिट करके लिखेंगे तो क्या ना राइट इट एज 100 प्लस 2 का होल क्यूब, क्योंकि 100 के नियरेस्ट है कौन से फॉर्मेशन में? प्लस 2 फॉर्मेशन में, है ना। तो बाइनोमियल में हमने इसको 100 प्लस 2 करके लिख लिया। तो अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम? ए प्लस बी होल क्यूब की। तो यहाँ पे ए का रोल कौन प्ले करेगा? 100, और बी का 2। तो ए प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी ओपन कैसे होती है? ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ए का है वैल्यू 100, बी का वैल्यू हो जाएगा 2। यहाँ पे पुट करेंगे तो 100 प्लस 2 का होल क्यूब, जिसका मतलब होता है 102 का होल क्यूब, क्या हो जाएगा बच्चों? 100 का क्यूब प्लस 300² × 2 प्लस 3 × 100 × 2² प्लस 2² क्लियर है। 100 का क्यूब कितना होता है? 10 लैक्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरो। 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 इंटू 3 30,000, 30,000 इंटू 2 60,000, क्लियर। तो ये हो जाएगा 60,000, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, 4 3 टाइम्स 12, 12 इंटू 100 इज 1200 एंड दिस इज 4। बस अब इन सबको हमको क्या करना है बच्चों? ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 लैक्स, 60,000, 1204 सो व्हाट वी विल गेट? 10 लैक्स, 61,204 दिस इज द क्यूब ऑफ दिस 102 होल क्यूब। इसी तरह से लास्ट वाला है 998 का होल क्यूब। 998 का होल क्यूब कैसे सॉल्व करेंगे? सो सी हियर, 998 होल क्यूब, इसको आप लिखेंगे 1,000 - 2 का होल क्यूब, क्लियर। यहाँ पे ये रोल प्ले करेगा ए का, 2 रोल प्ले करेगा बी का। अब ये माइनस फॉर्मेशन में, तो यानी यहाँ पे हमें ए माइनस बी होल क्यूब आइडेंटिटी को यूज करना है, क्लियर। तो कैसे यूज करेंगे, कैसे इसका एक्सपेंशन लिखेंगे? तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ए माइनस बी होल क्यूब होता क्या है। तो ए माइनस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी
प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यही होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें यहाँ पे, तो a इज 1000 एंड b इज व्हाट 2, चलो एक्सपेंड करते हैं, क्या हो जाएगा 1000 का क्यूब। अभी 1000 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ 9 टाइम जीरो लग जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्लियर। अब इसमें से आप 3a स्क्वायर b को माइनस करेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं। अगर इन दोनों में से हम माइनस 3ab बाहर कॉमन निकाल लें इस आइडेंटिटी में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस b बचेगा ना, ये a क्यूब अपनी प्लेस पर, ये b क्यूब अपनी प्लेस पर, तो क्यों ना इसी फॉर्मेशन में हम इसको सॉल्व करें, ये हमारे लिए क्या है, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा सॉल्व करना, क्लियर है। तो देखो 3 माइनस 3 इंटू ab माइनस 3, अभी a इंटू b करोगे तो ये बन जाएगा 2000, ठीक है। उसके बाद a माइनस b क्या है बच्चों, 998, डायरेक्ट लिख दो 998, ठीक है। माइनस b का क्यूब कितना, 2 का क्यूब मतलब 8, क्लियर है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये 6000, 3 into 2 6000, और 6000 को जब आप 998 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, चलो तो साइड में कर लेते हैं, 998 into 6 6 8 times 48 6 9 times 54 58, कैरी ओवर 5 6 9 times 54 54 plus 5 59, एंड 5 9 8 8 पे हम हाउ मेनी जीरोस, 3 जीरोस यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम जीरो यहाँ पे। इस पूरे को सॉल्व किया तो हमें मिला 000 88 9 5, ठीक है। इसको इसमें से एलिमिनेट करना है, फिर 8 हम बाद में माइनस कर देंगे, तो व्हाट रिजल्ट वी आर गेटिंग हियर, 000 2 1 0 4 9 9, इसमें से एक बार और 8 माइनस कर दीजिए, सो व्हाट वी विल बी गेटिंग हियर, 10 माइनस 2 इज व्हाट, 10 माइनस 8 इज 2, देन 9 9 1, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज, ठीक है। बहुत बड़ा आंसर है, ठीक है, तो इस तरह से करना है। तो ये जो गिवन नंबर है आपका 998 होल क्यूब, इसका क्यूब आपके पास क्या आया है, तो क्यूब इज 9940111992, अभी इतना बड़ा आंसर आया है, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं आइडेंटिटीज को यूज करके, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो अगर आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए हैं, इफ यू गॉट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, इफ यू लाइक माय वीडियो गिव मी अ थम्स अप, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी ऑफ माय अपडेट्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।